हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। ये है इस चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम की लास्ट वीडियो, जहां हम कर रहे हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में हमने ऑलरेडी 14 क्वेश्चंस कर लिए हैं। हमारे पास बचते हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और एक टेबल। आइए देख लेते हैं। रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन इज अटोमिक न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटोन, न्यूट्रॉन। जे जे थॉम्सन का जब मॉडल किया था तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉम्सन ने की थी। गोल्डस्टीन ने प्रोटोन की खोज की थी। चैडविक जेम्स ने न्यूट्रॉन की खोज की। तो ऑप्शन बच गई हमारे पास ऑप्शन ए, अटोमिक न्यूक्लियस। जैसा कि हमें पता ही है अल्फा पार्टिकल में क्या हुआ था, एक पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल्स में सिर्फ एक पार्टिकल जो कि बाउंस बैक हो गया था, कुछ की स्मॉल डिफ्लेक्शन हुई थी और मेजरली जो थे वो अनडिफ्लेक्टेड क्रॉस हो गए थे। सो अब ऑप्शन इज अटोमिक न्यूक्लियस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन द इम्पॉर्टेंट वन। आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या डिफरेंट अटोमिक नंबर्स। हमें पता है अटोमिक नंबर्स तो सेम होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। तो इस ये ऑप्शन भी निकल गई, ये ऑप्शन भी निकल गई। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं तो ये ऑप्शन भी निकल गई। बच गई हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्लस साथ में जो आपने एग्जांपल किए थे लाइक प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, वहाँ पे भी आप नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स निकालेंगे। सो आप फाइंड आउट करेंगे देयर आर डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन आइसोटोप्स। सो अब ऑप्शन इज सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोराइड आयन आर 16, 8, 17, 18। सबसे पहले इसका अटोमिक नंबर हमें पता होना ज़रूरी है। वी नो फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल क्लोरीन का अटोमिक नंबर होता है 17, बट अभी ये नहीं लिख देना है कि 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नो, दिस इज नॉट क्लोरीन, एक्चुअली इट इज़ क्लोराइड आयन। सी द चार्ज हेयर, और नेगेटिव चार्ज कब होता है, जब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। तो 17 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास ऑलरेडी थे, एक इसने और लिया है बिकॉज इट इज़ क्लोराइड आयन। सो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18। सो अवर ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, 18 इलेक्ट्रॉन्स। साथ ही यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 18 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम। सोडियम का अटोमिक नंबर सबसे पहले हमारे दिमाग में होना चाहिए, दैट इज 11। 11 है, सो इसमें के, एल, एम शेल्स ऐसे ऐसे होंगे। फर्स्ट शेल ऑक्यूपाई कर सकता है 2 इलेक्ट्रॉन्स। यू हैव सीन फ्रॉम द फॉर्मूला 2n² वेयर n इज इक्वल टू 1, 2, सो ऑन। के शेल के लिए n इज इक्वल टू 1, 1 का स्क्वेयर इज 1, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट कैन ऑक्यूपाई 2। सेकेंड के लिए n इज इक्वल टू 2, 2 रेज टू पावर 2, ठीक है, 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8। तो सेकेंड एल शेल कैन ऑक्यूपाई मैक्सिमम नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब अटोमिक नंबर को देखिए, 11 है, 2 और 8 10 हो गए, सो हमारे पास बचा ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर शेल। सो दिस इज द करेक्ट, विच वन इज ऑप्शन, हेयर इज ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ईजिली सॉल्व हो जाएगा, आपकी जितनी भी नॉलेज है वो सारी की सारी चैप्टर की इसमें लगेगी। अटोमिक नंबर 9, तो मास नंबर क्या होगा, न्यूट्रॉन्स दिए हैं 10, प्रोटॉन्स आपको निकालने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालने हैं, साथ ही में नेम ऑफ द अटोमिक स्पीशीज़ कि कौन सी स्पीशीज़ है जिसका अटोमिक नंबर 9 है। इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास दी गई है। अटोमिक नंबर से आप प्रोटॉन्स फाइंड आउट कर सकते हैं, न्यूट्रॉन्स आपको ऑलरेडी दिए हैं, और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 9, ठीक है, जितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन्स। सो हमारे पास बच गया मास नंबर निकालने के लिए। मास नंबर आपको पता है
इट इज़ सम ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में कौन होता है? प्रोटोन होता है और न्यूट्रॉन होता है. तो 9 + 10 इज मास नंबर इज 19. ओके. साथ ही ये कौन सी स्पीशीज़ है? आप अपना, जैसे कि आपने लर्न किया है अबाउट 12 या 20 तक, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. सो दिस स्पीशीज इज फ्लोरीन. ओके. नाउ अगेन इन द सेकंड टेबल एटॉमिक नंबर 16 है, मास नंबर 32 दिया है. न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, जितना एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन्स. ठीक है. अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये है आपके पास, आपको पता नहीं है तो आप स्पीशीज मान लीजिए ए है, इसका एटॉमिक नंबर 16 है, मास नंबर इज 32. फाइंड आउट नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स. प्रोटॉन्स उतने ही होंगे जितने कि इसका एटॉमिक नंबर है. सो प्रोटॉन्स हम कितने लिख देंगे? 16. न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे? इसका मास नंबर माइनस इसका एटॉमिक नंबर. तो 32 माइनस 16 इज 16. सो न्यूट्रॉन्स भी कितने आ गए? 16. इलेक्ट्रॉन्स भी 16 होंगे. ठीक है. और इस स्पीशीज़ का नाम क्या है? जितना जिसका एटॉमिक नंबर 16 है, दैट इज सल्फर. इट इज़ ऑलरेडी गिवन हेयर. ठीक है. सिमिलरली हेयर इज मास नंबर 24, प्रोटॉन्स इज 12. सो एटॉमिक नंबर इज 12. ठीक है. न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे आप? 24 में से 12 निकाल देंगे, आपके पास 12 आ जाएगा. ठीक है. इलेक्ट्रॉन्स भी 12 है. और ऐसी स्पीशीज जिसका एटॉमिक नंबर 12 है, हमें पता है सोडियम का 11 और मैग्नीशियम का 12. सो मैग्नीशियम. अब यहाँ पे मास नंबर 2 दिया है, प्रोटॉन्स 1 दिया है, मतलब एटॉमिक नंबर भी क्या होगा? 1 होगा. ठीक है. और 1 एटॉमिक नंबर और 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा इसमें. ठीक है. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे? न्यूट्रॉन्स 2 मास नंबर माइनस इसका एटॉमिक नंबर, तो 1 आ जाएगा. और एटॉमिक नंबर 1 है, दैट इज दिस इज प्रोटियम. ठीक है. सॉरी, दिस इज ड्यूटेरियम, क्योंकि इसका मास जो है वो 2 है. एटॉमिक नंबर इज 1. एटॉमिक नंबर 1 हमें पता है हाइड्रोजन का है, बट मास नंबर 2 को देख के हम क्या बोल सकते हैं? ये क्या है? ड्यूटेरियम. इसमें बताए गए हैं प्रोटॉन्स, सो दैट इज इट्स एटॉमिक नंबर. साथ में दिया है मास नंबर 2. ठीक है. मास नंबर 2 जो होता है वो ड्यूटेरियम का होता है, वो हमें पता है. न्यूट्रॉन्स निकालेंगे आप, 2 - 1 इज 1, इलेक्ट्रॉन इज आल्सो 1, एंड स्पीशीज इज ड्यूटेरियम अगेन. अब देखो प्रोटॉन 1 है, होगा ये हाइड्रोजन ही, बट इसमें न्यूट्रॉन्स 0 है और मास नंबर इज 1. सो ये ऐसे होगा, मास नंबर 1, 1 एटॉमिक नंबर वाला 1H1, इट इज प्रोटियम. ये हमने किया था आइसोटोप के केसेस में, ये प्रोटियम आएगा और अपर वाले का ड्यूटेरियम आएगा. ठीक है. इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत बार आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं. नाउ वी कैन से दिस चैप्टर इज फाइनली ओवर. वी विल स्टार्ट अवर फिजिक्स सेक्शन. थैंक्स फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो.